हेलो एवरीवन, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लाउड में स्वागत करता हूँ। ये 16th लेक्चर है पीरियड टेबल का। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग ऊपर दिया हुआ है। इसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें क्या इसका पीरियडिसिटी में इसका क्या होता है, पीरियड में क्या ऑर्डर होता है, ग्रुप में क्या इसका ऑर्डर होता है, प्लस इसमें क्या किससे क्या रिलेशन होता है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Study Cloud. तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन से इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफिनीशन होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। तो ये क्या बोल रहा है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इसको हम लोग अब डायग्राम समझते हैं। पहले इसको अंडरलाइन कर देंगे, बॉन्डेड, ये बॉन्डेड का बात कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही देखते हैं बॉन्डेड में, जो एटम बॉन्ड बनाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा एटम बॉन्ड नहीं बनाता है। जो एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं, सपोज कोई एटम ए हो गया, वो एटम बी के साथ बॉन्ड बनाया है। ये एटम बी हो गया, ये एटम ए बी एक दोनों से बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड में क्या होता है, ये एक दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं एक दूसरे से। तो जो इसमें से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज ए अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है बी से, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ए। इसका मतलब जो ए है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। अब इसमें बॉन्ड में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस भी देखते हैं, जिसकी वजह से पोलर नॉन पोलर जो भी बनता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। तो ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 20 अधिक है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक खींच रहा है। सपोज बी का अधिक होता है, ये दोनों उस तरफ चला गया होता है। ये सिंपल है इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब देखते हैं कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो होता है। जीरो उसी का होगा जो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो नोबल गैस होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, जिसके वजह से उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो होता है, एक्सेप्ट जीनन को। एक्सेप्ट जीनन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि जीनन बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जीनन का बॉन्ड देखेंगे। आप लोग भी जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो वो जीनन का बॉन्ड देखा होगा। तो जीनन एक एक्सेप्शन है, जीनन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो नहीं होगा। जीनन क्या है, जीनन नोबल गैस का एक एलिमेंट है। तो नोबल गैस में जितने होंगे सबका जीरो होगा, एक्सेप्ट जीनन का। अब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्ट्रेंथ कैसे पता लगाते हैं। जैसे सेम जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े थे, उसमें हम लोग उसका स्ट्रेंथ कैसे पता लगा रहे थे, नेट अट्रैक्शन से उसमें पता लगा रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था वो नेट अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल था, मगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो सिंपली अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जिसका अट्रैक्शन जितना अधिक होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों है, क्योंकि ए का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर के तरफ अधिक है, इसलिए ये ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो हम लोग सिंपल लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। इसको आप लोग बॉक्स बनाकर लिख लेंगे, इसको स्टार डाल देंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव पर किसका इसका इफेक्ट पड़ता है। ये तो हो गया डिफिनेशन प्लस इसका क्या कैसे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव पर किसका कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको रब करते हैं, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो पहला जो फैक्टर है वो जेड इफेक्टिव का लेते हैं। जेड इफेक्टिव, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब जो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग वो एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज अब इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है रिलेशन, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग जो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो पीरियडिसिटी होता है उसको हम लोग देखेंगे, मात्र इन दोनों के हेल्प से। और वैसे फैक्टर और भी हैं जिनको हम लोग जानेंगे, अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं इसको रब करते हैं, मगर इन दोनों के हेल्प से हम लोग आगे पीरियडिसिटी में इसका ऑर्डर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव का। अब नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं हम लोग इसको रब करते हैं। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट लेते हैं हम लोग वो ऑक्सीडेशन स्टेट का लेते हैं, नंबर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम लोग दो भागे बांट देते हैं, एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो इसमें जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। सपोज कोई एटम हो गया, सपोज एक्स एटम हो गया, इस पर प्लस 1 है, सपोज उसी पर प्लस 2 है, उसी पर प्लस 3 चार्ज है। इसमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, जिसका प्लस 3 चार्ज है। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी ऑर्डर बढ़ेगा। और इसमें जस्ट अपोजिट, सपोज कोई एटम इसमें वाई है, उस पर -1 चार्ज है, सपोज उसी पर -2 चार्ज है, फिर -3 चार्ज है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे जैसे निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इसमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होगा, उससे कम इसका फ्री है, ये ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है। और सपोज वैसे ही क्वेश्चन दे दिया आपको, ऑक्सीजन पर +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं, और सपोज ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, इसका आपको पूछ दिया ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जिस पर प्लस चार्ज है उसका सबसे अधिक होगा, जो न्यूट्रल है उससे कम, और सबसे कम जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो हो गया कि इससे हम लोग समझे उसको। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैं शुरू में फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे अधिक अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगा वही अट्रैक्ट करेगा। तो कटायन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और सबसे कम करेगा ये एनायन, और ये तो हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल जो हो गया बीच का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट, इसको रब करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर। ये डिपेंड करता है, जिसका परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर जितना अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अधिक होगा। तो इसका ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर। तो जिसमें जितना एस कैरेक्टर अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन से समझ लेते हैं। सपोज कोई sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, एक s है और एक ही p है, तो इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, एस कैरेक्टर इसको साइड में लिख लेते हैं, एस कैरेक्टर 50% होगा। इसमें कितना होगा एस कैरेक्टर, इसमें एक एस है और दो पी है,
तो इसमें परसेंटेज ऑफ स्कैटर कितना होगा, 33.33% होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें परसेंट ऑफ स्कैटर क्या होगा, इसमें एक एस है और तीन पी है, पूरा मिलाकर चार है, तो इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 25% होगा। तो हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका होगा, इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ पर, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका होगा, उससे कम इसका, फिर इसका। ये तो ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। अब सपोज आपको किसी मोलकर का स्ट्रक्चर दे दिया, उसने पूछा कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा दिस दिस एटम का, तो आप इसमें भी हम लोग देख लेते हैं सेम, उसको हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, एक एच एक इधर एच, और इसके लिए बना लेते हैं कार्बन पर डबल बॉन्ड, एक एच एक एच एक एच, इसको भी वैसे ही कर देते हैं एक एच एक एच, और इसके लिए हम लोग बना लेते हैं क्या होगा, कार्बन में सिंगल बॉन्ड एक एच एक एच एक एच। तो इसमें अगर आपको पूछ दे कि ये जो कार्बन है इन सब का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें दो बॉन्ड है कार्बन पर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, इसका sp2 होगा, इसका sp3 होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, सबसे अधिक इसका होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो स्ट्रेंथ होता है पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, उसी को हम लोग देखते हैं पीरियडिसिटी में क्या इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पीरियडिसिटी इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है। तो हम लोग को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना होता है जेड इफेक्टिव को, अगर जहाँ जेड इफेक्टिव सेम हो तो हम लोग देंगे एटॉमिक साइज को। तो जेड इफेक्टिव कहाँ सिमिलर होता है, जेनरिक ग्रुप में जेड इफेक्टिव सेम होता है, तो वहाँ हम लोग एटॉमिक साइज को प्रेफर करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टेप फिक्स कर लीजिए, जहाँ भी हमको इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऑर्डर लिखना हो टेबल में, तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जेड इफेक्टिव को और सेकेंड देंगे एटोमिक साइज को। अगर इसको, अगर ये स्टेप आप लोग फिक्स कर लिए ना, तो आप लोग मैक्सिमम एक्सेप्शन से बच जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज आपको अगर पूछा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताइए इसमें, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव, और सेकेंड क्या होगा, एटॉमिक साइज। तो देखिए कहाँ कहाँ आपको ये हेल्पफुल होगा, दोनों मैक्सिमम एक्सेप्शन से बचेंगे आप लोग। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाएं अगर हम लोग पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टॉप टू बॉटम जाएं हम लोग, टॉप टू बॉटम पीरियड टेबल में, तो क्या होगा, इसमें एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, एटॉमिक साइज होगा इंक्रीज होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीज होगा, ये कुछ ऐसा हुआ। मगर जहाँ एक्सेप्शन केस आए तो वहाँ से बचने के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ग्रुप में भी कहीं कहीं जेड इफेक्टिव लगता है, तो वहाँ हम लोग एक्सेप्शन से बच जाएंगे। कहाँ कहाँ बचेंगे, हाँ इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ता है एक्सेप्ट नोबल गैस, मैंने पहले ही बताया नोबल गैस को छोड़ देना है, नोबल गैस को आप लोग एज ए एक्सेप्शन मानकर छोड़ लीजिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो होता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ एक्सेप्शन होता है, अब पीरियड में कहीं नहीं एक्सेप्शन है, जहाँ है अब ग्रुप में है। ग्रुप में कहाँ होता है एक्सेप्शन, एक होता है एल्युमिनियम और दूसरा गैलियम में आपको दे दिएगा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग जेड इफेक्टिव में पढ़ लिए हैं। जेड इफेक्टिव शायद मेरा
नाइन्थ लेक्चर था, जहाँ अगर जिसको जेड इफेक्ट में डाउट होगा वह नाइन्थ लेक्चर देख लेगा, और इलेवेंथ लेक्चर लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगा इन दोनों के लिए, नाइन्थ लेक्चर और इलेवेंथ लेक्चर। तो इसमें गैलियम का जेड इफेक्टिव अधिक होता है एल्युमिनियम से, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होगा? गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से अधिक होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम का जेड इफेक्टिव अधिक होता है, जो जेड इफेक्टिव है गैलियम का अधिक होता है, इसलिए गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक होगा एल्युमिनियम से। मगर हम लोग एटॉमिक साइज से देखते तो यहाँ पर हम लोग एज ए इसको एक्सेप्शन लेते, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, टॉप टू बॉटम आप लोग यहाँ दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, मगर ये एक्सेप्शन केस। क्यों एक्सेप्शन केस माने? हम लोग स्टे फिक्स कर लें, पहले हम लोग जेड इफेक्टिव देखेंगे, और जेड इफेक्टिव का ऑर्डर इसका जानते ही हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता देंगे। और वैसे ही हम लोग लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है 5D सीरीज का जेड इफेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो 5D सीरीज होता है, 5D सीरीज का जो जेड इफेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। 5D सीरीज और 4D सीरीज में जेड इफेक्टिव ऑर्डर क्या होता है? ये होता है कुछ, तो सेम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा, 5D सीरीज होगा जो 4D सीरीज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अधिक होगा। ये कुछ इसका ऑर्डर हो गया। ये मैं लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन इलेवेंथ लेक्चर में बताया हूँ, मैंने बोला कि आप लोग को जिसमें डाउट होगा लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन में, मैंने बहुत डिटेल में बताया उसको, लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन एक बार देख लीजिएगा, ये जो आपको टॉपिक है ना बहुत ईजी बन जाएगा, ये जो एक्सेप्शन है वो बहुत ईजी बन जाएगा। मगर इसमें ही मैंने बताया था कहाँ कहाँ क्या होता है। लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन पूरे 5D सीरीज पर नहीं लगता है, उसका शुरुआत का एक एलिमेंट छोड़ देते हैं, जो लेंथनम होता है, लेंथनम पर लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगता है। जब लेंथनम पर कोई लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जैसे ऊपर से नीचे चलते आ रहा है वैसे ही रहेगा, ऊपर से नीचे। लेंथनम को क्या होता है? यट्रियम होता है, लेंथनम के ऊपर 39 यट्रियम होता है, और उसके नीचे लेंथनम जिसका एटोमिक नंबर 57 होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो इसका सेम वैसे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटेगा। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इन दोनों के बीच में। इसको एक्सेप्शन नहीं माने, क्योंकि मैंने लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन में इसको बता ही दिया है, तो ये एक्सेप्शन किस लिए? और एक पी ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट होता है, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। जब मैं आप लोगों को लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को बताया था पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट पर लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो कौन कौन सा होता है एलिमेंट? पहला होता है थैलियम, और दूसरा होता है पीवी, जो इसको हम लोग लेड बोलते हैं। थैलियम के ऊपर क्या होता है? इंडियम। और पीवी के ऊपर क्या होता है? SN, टीन। तो इसमें जो होता है जेड इफेक्टिव, लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन बताया था इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ड्यू टू द लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन। क्या होता है लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन रीजन? पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन के वजह से कुछ पी ब्लॉक का भी जो एलिमेंट होता है उस पर भी जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ जाता है। वो कौन कौन सा होता है? एक थैलियम और दूसरा लेड होता है, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर क्या होगा? सेम जो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर होता है इसका। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इंडियम का कम होगा थैलियम से, मगर साइज से देखते हैं तो हम लोग इसको एज ए एक्सेप्शन मानते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, मगर इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों क्यों हम लोग इससे एक्सेप्शन से बच गए? क्योंकि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दिए जेड इफेक्टिव का, इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्शन से बच गए। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको देखते हैं, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको इरेज करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करते हैं। उसका दो तरीका है, पहला जो है मुलिकन स्केल, दूसरा जो है पॉलिंग स्केल। तो मुलिकन स्केल में क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
एक्स एम से, इसको कैसे निकालते हैं, ये है आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में टू, जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो पॉलिंग स्केल में निकालते हैं, जब कोई बॉन्डेड एटम हो तो उसमें होगा, सपोज ये कोई एटम हो गया ए और दूसरा बी से बॉन्डेड है, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, ये है एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। और इसमें ये क्या है, ई ए बी क्या है, ये बॉन्ड इनर्जी है, और ये ई ए ए बॉन्ड इनर्जी है, ये ई बी बी बॉन्ड इनर्जी है, इसका वैल्यू क्या होगा, किलो कैलोरी पर मोल। जब किलो कैलोरी पर मोल में जब इसका वैल्यू होगा तो यहाँ पर 0.208 लेंगे। सपोज इन सब का वैल्यू अगर जूल कैलोरी पर मोल में हो, जूल कैलोरी पर मोल में हो, तो यहाँ पर एक चेंजिंग कर देंगे हम लोग, क्या चेंजिंग होगा, यहाँ पर 0.1017, यहाँ पर जो 0.208 है उसके बदले यहाँ पर 0.1017 लिख देंगे, और जब इसका वैल्यू जूल कैलोरी पर मोल में हो तो। ये तो हो गया कैसे क्या पता करें। अब दोनों में इलेक्शन भी है, वोल्केन स्केल और पॉलिंग स्केल में इलेक्शन, यहाँ पर ये ऐसा कुछ है, ये हो गया इलेक्शन। अब हम लोग पॉलिंग स्केल से हेल्प से किस फिक्स एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग देख लेते हैं, कि जिसको कि आप लोग लर्न करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको मैक्सिमम जगह यूज में आता है, क्वेश्चन में कहाँ कैसे क्या बहुत जगह उसको यूज में आता है, उसको देख लेते हैं। पहले इसको रब करते हैं, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो इंपॉर्टेंट एटम है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव का वैल्यू हम लोग को यूज आता है मैक्सिमम, हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज आता है, क्या यूज आता है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिव का वैल्यू, जो कि हम लोग पॉलिंग स्केल के हेल्प से हम लोग उसका वैल्यू लिख लिए हैं। इसका आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसका आप लोगों को हेल्प बहुत जगह मिलेगा। पहले बोला है सबसे अधिक आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका हेल्प मिलेगा, इनऑर्गेनिक में मिलता है कंपेयर करने में, कहाँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना किसी रिएक्शन में क्या कैसे, आप लोग को इसका मैक्सिमम हेल्प मिलेगा। जो जो इम्पोर्टेंट एटम है उसका वैल्यू आप लोग के सामने लिख दिया हूँ, जैसे हाइड्रोजन हो गया 2.1 हो गया, फ्लोरीन हो गया 4.0 हो गया, सीजियम हो गया 0.1 हो गया। आप लोग कुछ बात नोटिस किए होंगे, ये सीजियम और फ्लोरीन बॉक्स में क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका होता है ना किसी भी एटम का, वो फ्लोरीन का होता है, इसका सबसे अधिक होता है, इसका मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, इससे अधिक किसी का नहीं होता है, और ये जो होता है सबसे कम होता है, लिस्ट होता है, ये पीरियोडिक टेबल में इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी का नहीं होता है, ये इस कॉर्नर में है, वो ऊपर उस कॉर्नर में है। ये तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव का वैल्यू। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आप लोगों को बार बार बोलते आया हूँ पीरियोडिसिटी में कुछ भी देखना है तो सबसे पहले पैटर्न दीजिए आप लोग जेड इफेक्टिव का, नेक्स्ट दीजिए आप लोग एटॉमिक साइज का, मैं आप लोग को शुरू से बोलते आ रहा हूँ। इससे क्या आप लोग को हेल्प मिलेगा, आपको इससे मैक्सिमम एक्सेप्शन जो केस आते हैं उससे आप लोग बच जाएंगे, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव में देखें कितना इसमें एक्सेप्शन था जिससे कि आप लोग जेड इफेक्टिव की हेल्प से बच गए। कुछ एक्सेप्शन लर्न नहीं करना है, एक बार जेड इफेक्टिव को अच्छे से पढ़ लिए, फिर उसके बाद जेड इफेक्टिव से जो जो लिंक है सबको हम लोग करते जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जेड इफेक्टिव, फिर उसके बाद एटॉमिक साइज। जैसे हम लोग इसमें एक्सेप्शन से बचे, वैसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में बचे, रेडिएशन में बचे, कैसे बचे कि हम लोग उसे फर्स्ट प्रायोरिटी जेड इफेक्टिव को दिए थे, तो कुछ एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। तो आप लोग जेड इफेक्टिव पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसका जिसका टॉपिक वीक है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, शायद मेरा 9th लेक्चर जेड इफेक्टिव का आप लोग देख लीजिएगा, जिसका टॉपिक वीक है जेड इफेक्टिव। आप लोग ये डाउट मत रहेगा कि ये बहुत छोटा छोटा लेक्चर आता है 10 मिनट 15 मिनट, ये लेक्चर छोटा होता है मगर जो आप लोग क्लास में जो एक क्लास करते हैं 1.5 घंटे का, वो उसके बराबर है। इसमें क्या होता है कि आप लोग का टाइम सेविंग बहुत होता है, क्योंकि मैं जो इरेज करता हूँ, जो लिखता हूँ पहले से ही लिख दिया होता हूँ वीडियो में, सब काट कर आप लोग को बकायदा, जो कि इससे एक परफेक्ट, जो कि इससे अधिक ना इससे कम, एक एक्यूरेट जो समय लगता है लेक्चर में, कि जहाँ पर जितना समय देना है, जहाँ समझाने पर उस पर उतना समय देता हूँ, और जहाँ लिखना है जैसे ये सब हुआ पहले से लिख कर वीडियो में कट कर आप लोग को देता हूँ कि आप लोग का समय बचे।
तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे और उसमें जो उसका प्रॉपर्टी होता है वो देखेंगे। थैंक यू। अगर ये मेरा लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा कि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और उसे शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएँ। और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दीजिए। नॉलेज है तो उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।